आज हमारे अजीज़म मोहतरम गुल मोहम्मद साहब ने बहुत ही प्यारी यहाँ पे महफ़िल सजाई, जो कि हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी की आज 72वीं सालगिरह है। और यहाँ पर हमें आकर बड़ी खुशी हुई और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब की सालगिरह पर हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि उनकी शख्सियत तमाम सियासी और मजहबी जमातों के लिए एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो सिर्फ शेखुल कुरान या शेखुल हदीस ही नहीं बल्कि वो शेखुल इस्लाम भी हैं, और जिन्हें ये लक़ब अरब ममालिक के उलमा ने दिया। और हमें उनकी ज़िंदगी में वो फ़लसफ़े के भी उस्ताद हैं और सियासत के भी उस्ताद हैं। उनकी ज़िंदगी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इस उम्मत को हमने जोड़ना कैसे है। हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी उम्मत मुसलमा को जोड़ने की बात की, अमन की बात की, जिस पे आपकी हज़ारों हा कुतुब जो आज भी आप इतने अलील और ज़ईफ़ुल उम्र होने के बावजूद दीन का ये काम तहरीरी तौर पर तकरीरी तौर पर पूरी उम्मत मुसलमा के लिए आलम इस्लाम के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कर रहे हैं। और तमाम उम्मत मुसलमा के लिए बिलखसूस उलमा के लिए ये पैगाम है कि वो सब आपके ज़ेर साया इकट्ठे होकर उम्मत मुसलमा को बिलखसूस इस माहौल के अंदर कि इस वक्त कुफर उरूज पे है, तागूती कुवतें इस्लाम के ख़िलाफ़ यकजा हैं, तो उनकी ज़ेर निगरानी हमारे सब उलमा को, मजहबी जमातों को और सियासी जमातों को आपके इस ज़ेर साया इकट्ठे होकर उम्मत मुसलमा को जोड़ने का ये काम किया जाए ताकि उम्मत मुसलमा फिर से उरूज में आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ की मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हम मुत्तहिद होकर यकजा होकर आवाज़ बुलंद कर सकें।